नमस्कार दोस्तों, मैं मनु पवार। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा में इस बार इतनी रिकॉर्ड संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं कि उत्तराखंड का पूरा सरकारी सिस्टम हांफने लगा है। यात्रा को शुरू हुए 3 हफ्ते पूरे हो चुके हैं। 10 मई से 30 मई तक का डेटा बता रहा है कि चार धाम यात्रा में इस दौरान 14 लाख से ज्यादा यात्री आए हैं। इनमें पहले हफ्ते में करीब 3,98,000, दूसरे हफ्ते में 5,63,000 और तीसरे हफ्ते में 4,39,000 यात्री पहुंचे। अकेले केदारनाथ धाम में ही शुरुआती 3 हफ्ते में 5,70,000 से ज्यादा यात्री पहुंचे। संवेदनशील हिमालय क्षेत्र में इतनी भीड़ को लेकर अलग अलग तरह से चिंताएं जताई जा रही हैं अभी भी। लेकिन इस बीच केदारनाथ में एक दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली है। वायुसेना के जो चिनूक हेलीकॉप्टर है उससे 2 थार जीपें केदारनाथ धाम पहुंचाई गई हैं। चर्चाएं होने लगी कि क्या ये जीपें जो हैं वीवीआईपी लोगों के लिए लाई गई हैं। फिर सरकार की तरफ से सफाई आई कि केदारनाथ में थार क्यों लाई गई हैं। इस वीडियो में इस थार की मिस्ट्री से लेकर चार धाम यात्रा से जुड़े तमाम मसलों पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त देहरादून से जुड़ रहे हैं रतन सिंह असवाल जी, जो कि टूरिज्म सेक्टर में लंबे समय से काम कर रहे हैं, हिमालय क्षेत्र में लंबे समय से यायावरी कर रहे हैं, घुमक्कड़ी कर रहे हैं, हिमालय के समाज और वहां के जीवन को बेहतर तरीके से समझते हैं। उनसे समझेंगे कि क्या चार धाम यात्रा वाकई पहाड़ की इकोनॉमी के लिए फायदेमंद साबित हो रही है या हम सिर्फ सरकारी सर्विस प्रोवाइडर बनकर रह गए हैं। तो मेरे साथ देहरादून से जुड़ रहे हैं रतन सिंह असवाल जी। असवाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। अभी आपने भी तस्वीर देखी होंगी, वायुसेना की जो चिनूक हेलीकॉप्टर है उससे 2 थार जीपें जो हैं केदारनाथ धाम में पहुंचाई गई हैं। पहले लोग अटकलें लगा रहे थे कि ये वीवीआईपी के लिए लाई गई हैं, फिर उत्तराखंड पर्यटन विभाग का जो है सफाई आई उसमें कि ऐसा जो है वो बीमार और बुजुर्गों और विकलांगों की सुविधा के लिए किया जा रहा है और हेलीपैड से मंदिर परिसर तक जो है उनको ले जाया जाएगा। तो आप टूरिज्म सेक्टर में बरसों से काम कर रहे हैं, हिमालय क्षेत्र की जो सेंसिटिविटी है उसको देखते हुए इस फैसले को कैसे देख रहे हैं सर आप? देखिए, मैं आपको इस जो आपने जो मेरे से सवाल पूछा, इस सवाल से जोड़ते हुए मैं एक ऐसे ही दूसरे हिंदुओं के धार्मिक स्थल मुक्तिनाथ जी का संदर्भ यहाँ पे लाना चाहूंगा। मुक्तिनाथ जी में जहाँ पे गाड़ियां पार्क की जाती हैं वहां से और मंदिर परिसर तक जो सीढ़ियां जाती हैं वहां तक सड़क है और वहां पे कच्ची सड़क है वो, और वहां पे वाहन चलते हैं। लेकिन वहां पे एक व्यवस्था है कि जो घोड़े, खच्चर और पालकी होती हैं या वाहन होते हैं उसमें एक निश्चित एज के ऊपर के लोगों को ही अलाउ किया जाता है। हमारे केदारनाथ या यमुनोत्री जैसा नहीं है कि 20 साल का नौजवान भी घोड़े में जा रहा है या पालकी में बैठ के जा रहा है या कंडी में जा रहा है। तो वहां पे यदि कोई 60 साल से नीचे का व्यक्ति है उसको जाने की मनाही है, और वहीं तक है जहां तक सीढ़ियां शुरू होती हैं, उससे ऊपर भी अलाव नहीं है। हाँ, कोई बुजुर्ग है, बहुत ज्यादा बुजुर्ग है, वो चढ़ नहीं सकता सीढ़ियां, तो उसके लिए कंडी की व्यवस्था वहां पे, कंडी से उनको ले जाया जाता है। और अभी जब पीछे कोई 3 साल पहले या 2 साल पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मुक्तिनाथ गए थे तो मुक्तिनाथ परिसर से बाहर उनके लिए एक अस्थायी हेलीपैड की व्यवस्था की गई थी। मंदिर के प्रांगण के अंदर भी हेलीपैड की कोई व्यवस्था वहां पे नहीं है। उसी प्रकार से जो हमारे उत्तराखंड के धार्मिक स्थल हैं वहां पे ऐसी व्यवस्था नहीं है, यहाँ कोई भी आ जा सकता है। दूसरा, जो आपने अभी बात करी है थार को ले जाने की, तो अगर यदि निश्चित रूप से बुजुर्गों को या जो फिजिकली डिसेबल है उनको ले जाने की मंशा से थार केदारनाथ जी में पहुंचाई गई है तो निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य कदम है। लेकिन यदि इन सब की आड़ में वीआईपी के लिए वहां पे थार पहुंचाई गई है तो ये अपने आप में चिंता का विषय है। तो मेरा तो, मैं तो इस सवाल का यही जवाब दूंगा कि हमारे राज्य के धर्मस्व विभाग को और पर्यटन विभाग को या चार धाम यात्रा परिषद जो भी है उसको मुक्तिनाथ जैसी तर्ज पे ऐसी व्यवस्था वहां पे करनी चाहिए
कि जो सक्षम है, जो शारीरिक रूप से सक्षम है, उनको ये उनके लिए ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तो इससे अव्यवस्थाओं का जो वहां पे बोलबाला है वो भी कम होगा। हाँ तो क्या, तो ये सुविधा तो सिर्फ है, मतलब जो हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं यात्री, सिर्फ उन्हीं के लिए होगी, मतलब ये थार वाली व्यवस्था, जो नीचे से घोड़े से आ रहे हैं या दूसरी व्यवस्थाओं से आ रहे हैं उनके लिए शायद ये व्यवस्था नहीं है। लेकिन मेरा सवाल ये था कि जो हिमालय की जो सेंसिटिविटी है, वो वहाँ पे ग्लेशियर्स हैं और ग्लेशियर्स में ज़्यादा धुआं, ज़्यादा प्रदूषण, ज़्यादा नॉइज जो है वो दिक्कत कर सकती है। आप हिमालय में घूमते रहे हैं, लंबा एक यायावरी का एक लंबा जो है आपका अनुभव है, तो उस लिहाज से मैं अगर कहूं कि एक पर्यावरणविद होने के नाते आप अगर कहूं, तो क्या ये वहां की जो है हिमालय के पर्यावरण को डिस्टर्ब नहीं करेगा इस तरह का जो है, क्योंकि लगातार कई चक्कर मारते रहेंगे दिन भर गाड़ियां? ठीक है, जिस तरह की व्यवस्थाएं हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में, स्पेशली हिमाचल और उत्तराखंड में इस समय हो गई हैं कि कोई कैरिंग कैपेसिटी की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। तो जिस प्रकार से जो है केदारनाथ जी में जिस प्रकार से श्रद्धालु जा रहे हैं, जिस संख्या में श्रद्धालु वहाँ पे जा रहे हैं, वो हिमालय के सेहत के लिए मैं उसको अच्छा नहीं मानता हूँ। और जो यात्री वहाँ पे जा रहे हैं उनकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे व्यवस्थाएं इतनी नहीं है कि जो इतनी बड़े जो है समूह को या इतने बड़े क्राउड को वहाँ पे रहने खाने की व्यवस्थाएं दे सकें। तो निश्चित रूप से सरकार को कैरिंग कैपेसिटी पे विचार करना चाहिए, और ये व्यवस्था हरिद्वार या ऋषिकेश से ही लागू होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ से तो आप जाने दे रहे हैं और फिर रुद्रप्रयाग में रुद्रप्रयाग पुलिस के, या श्रीनगर में पौड़ी पुलिस के, या जो जोशीमठ में और चमोली पुलिस के, या टिहरी और उत्तरकाशी में वहाँ की पुलिस के जिम्मे आप छोड़ दें। तो व्यवस्था आपको जहां से यात्री अपनी यात्रा शुरू कर रहा है वहीं से आपको सारी व्यवस्थाएं कर देनी चाहिए, उसके पंजीकरण की, उसके वाहन के पंजीकरण की, कितने यात्री हैं, किस डेट में कहाँ जाएंगे, इन पे वहां पे धर्मशाला या बुकिंग होटल की बुकिंग है कि नहीं है, ये आपको नीचे ही सुनिश्चित कर लेना चाहिए। अगर आप बीच रास्ते में उनको टोकेंगे जगह जगह में, जैसे मैं देखता हूँ कि हर आरटीओ के अपने अपने बैरिकेटिंग है, आप गाड़ी जो है रुद्रप्रयाग टिहरी जिले में जो है प्रवेश करती है तो वहाँ पुलिस का अपना बैरिकेटिंग है, फिर आरटीओ का अपना बैरिकेटिंग है, इसी तरह से पौड़ी जिले में, फिर चमोली जिले में, रुद्रप्रयाग जिले में। तो कहीं ना कहीं यात्री को भी इससे असुविधा हो रही है। और एक हमारा जो बहुत बड़ा जो सरकारी महकमा है, तंत्र है, वो जो है एक ही काम के लिए कई जिलों के कर्मचारी उसमें इन्वॉल्व हैं, तो इससे कहीं ना कहीं जो है मानव श्रम का भी जो है एक तरह से दुरुपयोग हो रहा है। तो मेरा मत यह है कि देहरादून और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में ही सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी जानी चाहिए, और उस वाहन को या उस यात्री को एक टोकन पकड़ा दिया जाना चाहिए कि जिस टोकन को दिखाने के बाद वो आगे अपनी यात्रा सुचारू रूप से निर्विघ्न कर सके। तो अब हिमालयी क्षेत्र में दो थार के जाने से पर्यावरण को उतना ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है जितना ज्यादा नुकसान मानव झुंड के जाने से होगा। जैसे कि 15,000-20,000 आदमी यदि एक ही जगह में चले जाते हैं तो उससे साउंड होती है, उनके जो वहां पे रह रहे हैं आपस में बातें कर रहे हैं या जो भी क्रियाएं कर रहे हैं उससे एक वाइब्रेशंस पैदा होती हैं। उनके लिए जो खाना बनता है तो उससे जो है स्टोव जलेगा या गैस जलेगी या जो भी ईंधन उसमें इस्तेमाल होगा उससे गर्मी पैदा होगी। और सबसे बड़ी चीज होती है मलमूत्र त्यागने की। तो आप यदि केदारनाथ जी में आपको जाने का मौका मिले, कभी मैं लास्ट ईयर गया था तो वहां पे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं है मलमूत्र त्यागने की। तो वहां पे स्मेल ऐसी आती है, जब मंदिर परिसर से आप 500 मीटर बाहर निकलते हैं तो आपको ऐसी मतलब दुर्गंध का आभास होगा कि जैसे आप किसी गटर के आसपास खड़े हैं। तो कैरिंग कैपेसिटी पे विचार किया जाना चाहिए, और निश्चित रूप से यदि सरकार बुजुर्गों की मनसा के लिए ऐसा कर रही है, लेकिन इसमें विरोधाभास यह है कि सिर्फ हेलीकॉप्टर से जाने वालों के लिए नहीं। भाई बुजुर्ग तो कंडी से भी जा रहा है और घोड़े से भी जा रहा है और पालकी में भी जा रहा है, तो ये व्यवस्था उनके लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे भी पालकी और घोड़े की जाने की एक निश्चित जो है बाउंड्री है कि यहीं तक वो जा सकता है। वो अलग बात है कि कंडी थोड़ा आगे तक चली जाती है, लेकिन तो अगर हेली सर्विसेज के यात्रियों को विशिष्ट सेवाएं दी जा रही हैं तो निश्चित रूप से किसी धार्मिक स्थल के लिए मैं मतलब जो है जो आस्था का जो वर्गीकरण में इसको मान सकता हूं।
यशपाल जी, चार धाम यात्रा को इस बार शुरू हुए, अभी 3 हफ्ते पूरे हो चुके हैं और इस बार जो विवादों की अव्यवस्थाओं की तस्वीरें आई हैं, आपने भी देखी हैं, तो चूक कहाँ कहाँ हो रही है सरकार से? देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है मनु मनु कुमार जी, कि हम जो है मतलब जब से हमने होश संभाला है तब से हम उत्तर प्रदेश के टाइम से ये देख रहे हैं कि चार धाम यात्रा की तैयारियां, चार धाम यात्रा की तैयारियां, और उत्तराखंड राज्य बनने के बाद भी ये 6 महीने तक यही हवा रहता है कि चार धाम यात्रा की तैयारी। तो 6 महीने तो चार धाम यात्रा रहती है, और 4 से 6 महीने आप चार धाम यात्राओं की तैयारियां करते हैं, उसमें सारे विभागों के लोग, जिम्मेवार अधिकारियों की जिम्मेवारी फिक्स होती है, चीफ सेक्रेटरी उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, जिलाधिकारी उस जिल उन उन जिलों के मॉनिटरिंग करते हैं, सरकार के नुमाइंदे धर्मस्व पर्यटन मंत्री उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। तो सवाल यह है कि जब इतनी सारी मॉनिटरिंग एजेंसियां हैं तो इस साल चूक कहाँ पे हुई है? तो मैं आपको मतलब संक्षेप में बता दूं कि इस साल की जो यात्रा का में जो जितना व्यवधान आपको दिख रहा है या व्यवस्थाएं आपको दिख रही हैं, ये निश्चित रूप से सरकारी मशीनरी का फेलियर रही है। इसमें आप यात्री को दोष नहीं दे सकते। आपने प्रचार प्रसार इतना किया है कि यात्री आएगा, जो श्रद्धालु है जिसकी श्रद्धा महादेव में और बद्रीनाथ जी में है वो आएगा उसका, लेकिन आपने उसके लिए टाइम फ्रेम की व्यवस्था नहीं की है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो रजिस्ट्रेशन हमने एक सुझाव दिया था किसी प्लेटफॉर्म पे कि आप जब यात्री रजिस्ट्रेशन करा रहा है उस समय ही उसके रजिस्ट्रेशन की डेट फिक्स कर दीजिए, आपकी यात्रा की डेट फिक्स कर दिए कि इस डेट से इस डेट तक आप यात्रा करेंगे, उससे आगे पीछे आप नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था शायद अभी सुनने में आया कि बनाई गई है, तो बढ़िया है, स्वागत योग्य कदम है यदि उन्होंने ऐसी व्यवस्था बना दी है। लेकिन सवाल वही उठता है कि पंजीकरण आप उतने ही कीजिए कि जितनी व्यवस्था आपके पास है। सबसे पहले तो डेटा सिस्टम के पास ये होना चाहिए कि किस स्थान पे उनके पास कितने लोगों के रहने की व्यवस्था है, कितनी गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था है। अगर वो ये सारा डेटा बना देंगे तो उसी हिसाब से उनको ट्रैफिक, जो जो मैं टोकन की बात कर रहा था, वो टोकन अलॉट करना है कि आज आपका रात्रि विश्राम यहाँ पे है, आपने यहाँ से आगे नहीं जाना है। तो ये व्यवस्थाएं आपको देखने को नहीं मिलेंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% ये खत्म हो जाएंगी, लेकिन मैं ये आपको जरूर दावे के साथ कह सकता हूँ कि 80 से 90% ये समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। आप एक बार करके तो देखिए, लेकिन ये काम तो सरकारी मशीनरी ने करना है, आप और मैं तो नहीं कर सकते हैं। तो अब अगेन अगेन बात वही आती है कि इच्छा शक्ति की। अगर 24 साल से हम एक मैकेनिज्म डेवलप नहीं कर पाए हैं अपनी चार धाम यात्रा का, तो फिर हमने 24 साल में किया क्या है? हर साल हम करोड़ों का बजट वहां पे लगाते हैं, और आप यदि देखेंगे, अगर आप देखेंगे वर्ष दर वर्ष, यदि केदारनाथ आपदा के बाद से अभी तक, अगर कोविड के 2 साल आप छोड़ दें, तो व्यवस्थाओं में जो है, व्यवस्थाओं का स्तर जो है वो पहले से नीचे आया है, बड़ा नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं चूक हमसे हो रही है, हमारी सरकारी मशीनरी से एक चूक हो रही है कि वो व्यवस्थाओं को बनाने में जो है बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो पाई, एक बात। दूसरी बात, जो हमारी टेंपल कमेटी है, सवाल ये उस टेंपल कमेटी का काम क्या है? अगर उस टेंपल कमेटी का काम किसी वीआईपी को दर्शन कराना और उसके साथ फोटो खींच के सोशल मीडिया में डाल देना है, तो फिर तो वो अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। लेकिन यदि यात्री सुविधाओं के लिए उनका काम है, तो वो अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे। जैसा कि आपने कहा कि प्रचार ज्यादा हो गया, उस हिसाब से व्यवस्थाएं नहीं हुई। अभी एक डेटा देख रहा था मैं कि 3 हफ्ते जो हुए हैं, अभी यात्रा को शुरुआत हुए, इसमें 14 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आ चुके हैं उत्तराखंड की चार धाम यात्रा पे, और अकेले 5,70,000 से ज्यादा केदारनाथ पहुंचे हैं। आप लंबे समय से टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हैं, अथवा जी मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि क्या चार धाम यात्रा वाकई हमारे पहाड़ में की इकोनॉमी में वो जो है कुछ कुछ ऐड कर पा रही है, कुछ फायदा पहुंचा रही है, या हम सिर्फ सरकारी सर्विस प्रोवाइडर बनकर रह गए हैं, हमारे सारे देखिए संसाधन लग जाते हैं लेकिन मुसीबत हमारे लिए पैदा हो जाती है? देखिए देखिए, बहुत बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने किया है, और मतलब कह सकते हो कि जिस जिसका उत्तर देने में मैं बचता हूं हमेशा, लेकिन मैं आज आपको उत्तर दूंगा इसका। क्योंकि क्या है कि एक बहुत बड़ा जो है औरा खड़ा किया गया है।
हवा खड़ा किया गया है। ऑर्डर चला ठीक गया। है, हो सकती है वो रीढ़, लेकिन चार धाम यात्रा का जो लाभ सीधे सीधे मिलता है वो जो हमारी नदी घाटी की जो बसास्ते हैं उनको मिलता है। अब फॉर एग्जाम्पल श्रीनगर को चार धाम यात्रा का लाभ मिलता होगा, पौड़ी को क्या मिलता है? पौड़ी तो श्रीनगर से 30 किलोमीटर दूर है। हाँ, पौड़ी को ये जरूर मिलता है कि आप अगर किसी कार्यालय में जाते हैं काम कराने के लिए, तो जिस भी कर्मचारी अधिकारी से आपका काम होगा तो उससे कहा या आपको ये सुनने को मिलेगा ये चार धाम यात्रा ड्यूटी पे गए, ठीक, आप जो है अगले हफ्ते आना। फिर अगले हफ्ते आप जाते हैं तो वो कर्मचारी अधिकारी आपको मिल जाता है। उसके बाद आपको किसी और के पास जाना है तो फिर आपको जवाब मिलता है कि जी वो तो चार धाम यात्रा पे हैं, आप फिर आना। हाँ, ये सुविधा आप सुविधा मैं सुविधा बोलूंगा इसको, क्योंकि जब लोगों ने ये मानक तय कर लिया है कि चार धाम यात्रा उत्तराखंड की इकोनॉमी की रीढ़ है, तो फिर ये स्वीकार कर लिया जाए कि ये भी हमारे लिए सुविधा है। देखिए, मैं बिल्कुल इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। अब आप मेरे को बताइए कि हेली सेवाएं देहरादून से भी संचालित हो रही हैं, फाटा से भी हो रही हैं और गुप्तकाशी से भी हो रही हैं, मतलब बहुत सारी हेली कंपनियां इसमें कार्यरत है, शायद 1.5 दर्जन के आसपास तो जो हैं कि जो जो शटल कराती हैं, और इतनी कंपनियां हैं जो चार्टर्ड करती हैं। मैं जहां पे रहता हूँ उसके ठीक नीचे हेलीपैड है जो चार्टर्ड हेली सेवाएं होती हैं, वहां आप गाड़ियां खड़ी देखेंगे तो आपको HR नंबर PB नंबर की टैक्सी गाड़ियां मिलेंगी। तो ये हमारे जो 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 चार धाम यात्रा का जो रेवेन्यू हमको मिलना चाहिए था वो तो पंजाब और हरियाणा के टैक्सी ऑपरेटर ले रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, आप हेलीपैड में जाइए तो कितने बच्चे आपको स्थानीय मिलते हैं कि जो वहां पे नौकरी कर रहे हैं, कितने ऑनर हैं जो ये सेवाएं सर्विस सर्विस प्रोवाइडर हैं, हेली सर्विस प्रोवाइडर हैं जो हमारे राज्य के हैं। मेरी ख्याल से 10% भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा इसका, है कि नहीं? तो आप किस तरह से हम मान लेते हैं कि ये हमारी आर्थिकी की रीढ़ है, एक बात। दूसरा, आप केदारनाथ जी में यदि चले जाइए तो आप ये बताइए कि वहां पे घोड़े खच्चर कौन चला रहे हैं? घोड़े खच्चर अगर चलाने वाले 10% आपको स्थानीय मिलेंगे, आपको जो है 90% नेपाली बिजनौर के सहारनपुर के मिलेंगे। जो पालकी वहां पे ढो रहे हैं उसमें आपको 98% आपको नेपाल मूल के लोग मिलेंगे। जो कंडी वहां पर ढो रहे हैं उसमें 100% आपको नेपाली मूल के लोग मिलेंगे। ठीक है, ये तो हो गया कि जिन 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 जो लोग लोगों को आस्था में के लिए अपने शरीर का मतलब जो है भक्ति दे रहे हैं, जो कह रहे हैं कह सकते हो आप, ठीक है, आप उसका मूल्य दे रहे हैं, लेकिन ठीक है आप उस लायक नहीं हो कि आप भोलेनाथ के दरबार में पहुंच सके, तो वो आपको भोलेनाथ में के दरबार तक पहुंचाने का पुण्य कमा रहे हैं, ये मान सकते हैं। तो अब आप बताइए कि इन सब चीजों से हमको कहाँ पे आर्थिक रूप से हम मजबूत हुए। दूसरा, आप यदि इन इनको जाने वाले होटलों की मालिकों की लिस्ट निकालेंगे तो वो लोग कौन है? ठीक है, जो दुकानदार है वो कौन है? सब्जी विक्रेता कौन है? परचून की दुकान वाला कौन है? जो ढाबा खोल के बैठा हुआ वो कौन है? ये वो, हाँ, जो हमारे स्थानीय तीर्थ पुरोहित हैं उनको जरूर इसका लाभ होता है, लेकिन जो स्थानीय जनता उनको भी कितना किन को लाभ होता है जिनकी वृत्ति है वहां पे। अब आप सोचोगे कि पौड़ी गांव, पौड़ी जिले से मिर्चोड़ा गांव का दीपक गौड़ जाके वहां पे वृत्ति कर लेगा? ये पॉसिबल नहीं है, शायद उसको करने नहीं दिया जाएगा। तो अब हाँ, मान सकता हूं कि जो हमारे राज्य का जो टोटल क्षेत्रफल है उसमें पड़ने वाले 20% क्षेत्र में पड़ने वाले इन चार धामों से वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है, लेकिन उस कैचमेंट के जहां पे यात्रा रूट है उसके 20 किलोमीटर से ऊपर के किसी भी गांव ग्रामीण को इसका सीधा लाभ नहीं होता है। हाँ, उस गांव का कोई लड़का किसी ढाबे में, किसी होटल में या किसी अन्य उसमें नौकरी करता होगा या उसकी दुकान खोली होगी, छोटे से चाय की दुकान खोली होगी, टैक्सी चलाता होगा, उस रूप में उसको लाभ हो सकता है, लेकिन यात्रा से सीधा लाभ उसको नहीं होता है। तो ये जो अपने आप में हवा बना रखा है ये मतलब बड़ी अजीब बात है। चलो ठीक है, मान लिया गढ़वाल जनपद के, गढ़वाल के चार जनपदों के लोगों को इसका लाभ हो सकता है, कुमाऊं के जनपदों को इसका क्या लाभ है? आप सीधे तो कैसे आप पूरे राज्य की आर्थिक रीढ़ मान सकते हैं? बात यदि हम हरिद्वार की करें तो हरिद्वार में तो 12 महीने का अब सीजन है, तो उनपे हाँ ठीक है, अगर वो उनकी आर्थिकी बहुत अच्छी हो गई है तो भीड़ बढ़ने से उसकी उनकी आर्थिकी और ज्यादा सुदृढ़ हो जाएगी। अब आप दूसरी तरफ यदि आप देखेंगे तो ऋषिकेश से ऊपर यदि आपको जाना है तो आज की डेट में आपको
मिनिमम मान के चलिए कि आपको 6 से 8 घंटे का जाम पूरे यात्रा रूट पे मिलेगा। तो क्यों मिल रहा है? तो जो मैंने आपसे पहले बात करी थी कि जब तक आप टोकन सिस्टम व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक व्यवस्थाएं नहीं बन पाएंगी। आपको घूम फिर के उसी टोकन सिस्टम पे आना पड़ेगा कि इस यात्री को आज कहाँ रुकना है, इसकी गाड़ी कहाँ पार्क होनी है, इसको कहाँ तक जाना है। जब तक आप ये व्यवस्था नहीं बनाएंगे तब तक जो है आप अव्यवस्थाओं का आप भंडार लगा रहेगा। और दूसरी तरफ जो आप प्रचारित करते हैं लोग बाग शो को, और जो सोशल मीडिया में मैं देखता हूँ कि आर्थिकी का जो है वो क्या बोलते हैं रीढ़ है हमारी, ये तो ठीक है, उस क्षेत्र के लोगों के लिए ये आर्थिकी रीढ़ हो सकती है। मैं पौड़ी का रहने वाला हूँ, असवाल चूपट्टी का, मेरे मेरी आर्थिकी में 4 धाम यात्रा का 1% भी योगदान नहीं है। अब किसी को मुझे गाली देनी है तो कल देते रहे आपके वीडियो के बाद, एक बार। दूसरा, इसमें एक महत्वपूर्ण और ऐड करता हूं मैं कि कोई यात्री यदि किसी कोई सामान खरीदता है और उसके प्राइस पे वो उससे बहस करता है तो लोग तरह तरह के मतलब जो है वो देते हैं, तर्क देते हैं कि जी हम तो ऋषिकेश से ला रहे हैं, यहाँ से ला रहे हैं, वहां से ला रहे हैं। तो ठीक है, उसका एक निश्चित किराया आप देते होंगे। फिर दूसरा तर्क उनका होता है कि जी हमारा तो 6 महीने का सीजन है। तो भैया ऐसा है कि यदि 1 रुपए की चीज को आप 4 रुपए में या 3 रुपए में बेच रहे हैं और ये कह के बेच रहे हैं कि ठीक है जी मुझे भाड़ा मिल रहा है, तो वो तो समझ में आता है। लेकिन आप यदि लॉजिक देंगे कि जी हमारा 6 महीने का कारोबार है, तो 6 महीने के कारोबार में आप दूसरे की जेब तो नहीं काट सकते हो। तो कहीं ना कहीं कैपिंग होनी चाहिए, हर चीज पे कैपिंग होनी चाहिए। आप यदि कई जगह आप जाएंगे, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप जो है बालाजी, तिरुपति बालाजी जाते हैं, तो वहां पे जितने बाहर रेस्टोरेंट है, होटल है, वहां पे हर चीज के दाम लिखे हुए हैं। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि तिरुपति बालाजी जैसी कंडीशन हमारी है 4 धाम यात्रा की, लेकिन ये स्वतंत्रता भी नहीं दी जानी चाहिए कि आप जो श्रद्धालु आपका आ रहा है आप ये समझ के उससे व्यवहार करें कि भाई 6 महीने का भी हमने इसी से सब कुछ हिसाब किताब करना है। तो ये इससे कहीं ना कहीं हमारी जो राज्य की जो छवि है धूमिल होती है। अब जो लोग बातें करते हैं उनको उनको फेस नहीं करना पड़ता, लेकिन हम लोग जो घुमक्कड़ हैं, हम याया और हैं, हम फेस करते हैं इसको। तो हमसे लोग बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि मैं उत्तराखंड से हूँ, तो लोग फिर हर तरह की मसूरी के बारे में भी बातें करते हैं, जो मसूरी गए हैं उनके अनुभव हैं, नैनीताल के बारे में भी बात करते हैं उनके अनुभव है, 4 धाम के बारे में स्पेशली हमें बहुत कुछ सुनना पड़ता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के लिए बता देता हूँ। एक बार जो है एक बंगाली महोदय थे, उन्होंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाली थी कि मैं घूमता रहता हूँ और मेरा अनुभव है कि उत्तराखंड के ड्राइवर, गढ़वाल के ड्राइवर सबसे ज्यादा बदतमीज है। उन्होंने मतलब ये कहा, तो मेरी उनसे बहुत बहस हुई। तो बहस हुई तो फिर ये हुआ, यार इस बहस में तो इसका कोई निचोड़ नहीं निकलेगा, तो ऐसा करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करते हैं। तो मैंने 8 दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर किया, उसमें मैक्सी कैब भी है, उसमें रोडवेज की बस भी है, उसमें जीएमओ की भी बस भी है, टीजीएमओ की बस भी है। तो मैंने देखा है कि अधिकतर ड्राइवर चप्पल पहन के गाड़ी चलाते, ठीक है, मोबाइल तो उनका कान से मतलब पूरी ड्राइविंग में 50% मोबाइल उनके कान पे होता है, ठीक है, और आप उनके टोका टाकी कीजिए तो वो बहुत ज्यादा आपके साथ बहुत व्यवहारिक ढंग से बात नहीं करते हैं। मतलब ये 75% का है, 25% बहुत अच्छे भी हैं। जैसे मैं एक ऋषिकेश से मैं जीएमओ की बस में यात्रा कर रहा था, तो एक शुगर पेशेंट कोई महिला थी, तो उसने एक जगह में पेशाब करने के लिए रोकने के लिए कहा। तो अब ठीक है, चढ़ाई थी, उसने रोका नहीं होगा, लेकिन उसने 3-4 बार बोला, तब जाके मैंने इंटरफेयर किया, तब जाके उसने गाड़ी रोकी। तो उसने बोला, बेटा मैं शुगर पेशेंट हूँ, मेरे को पेशाब ज्यादा लगती है। तो उन बंगाली महोदय ने जो ये बोला था, तो मैं तो टिप्पणी नहीं कर सकता इस पे, लेकिन उनका अनुभव रहा होगा तो उन्होंने ये कहा, लेकिन उनकी बात में सच्चाई तो है कई काफी हद तक। तो हमें इन सब बातों पे भी ध्यान रखना कि हम पर्यटन प्रदेश की बात कर रहे हैं, स्पेशली स्पिरिचुअल टूरिज्म की यदि हम बात कर रहे हैं, हमारे बड़े गोल हैं इसके लिए। और व्यक्तिगत रूप से यदि मैं मेरी बात करेंगे तो मैं इसको बहुत बड़े स्केल पे देखता हूँ कि जब ट्रेन हमारे यहाँ आ जाएगी तो हमारा जो धार्मिक पर्यटन है उसमें बहुत बढ़ना है। उसके लिए हमें अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए, हर हर फील्ड में कर लेनी चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इस सबके लिए जो मॉनिटरिंग एजेंसी है वो गवर्नमेंट की एजेंसी है, तो गवर्नमेंट की एजेंसियों को पारदर्शिता के साथ अब कमर कस लेनी चाहिए ताकि आने वाले समय में अव्यवस्थाओं से जो हमारे राज्य की छवि धूमिल हो रही है उससे बचा जा सके।
असवाल जी, अभी आपने एक चार धाम यात्रा के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किस्सा शेयर किया, और अभी आपने ये बात भी की कि जो एक खास कैचमेंट एरिया है उसके बाहर फायदा नहीं हो रहा है पहाड़ पहाड़ को इस यात्रा से। आपने जैसे ये भी कहा कि सरकारी दफ्तर में काम कराने जाते हैं तो सब कहते हैं कि भाई अभी फला कर्मचारी जो है चार धाम यात्रा में बिजी है। मुझे लगता है कि जब ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात हुई है तो हमारे जो पहाड़ के इन अलग इलाके हैं, जो यात्रा से इतर इलाके हैं, वहाँ तो जब हम यहाँ से जाते हैं तो ना कोटद्वार से ना ऋषिकेश, यात्रा जो है वहाँ बसें जीपें टैक्सियाँ मिलनी बड़ी मुश्किल हो जाती हैं, मतलब इंटीरियर इलाके में जाएँ तो। ये जो तैयारियों की बात होती है, शायद कुछ हिस्सा जो है चार धाम यात्रा पर लग जाता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, बाकी जो पहाड़ के लोग हैं वो उसमें संकट में आ जाते हैं, मुसीबत आती है। इसको खुद हमने एक्सपीरियंस किया है, हम कई बार गए हैं इस यात्रा सीजन के दौरान तो बसें नहीं मिलती, जीपें नहीं मिलती, कोटद्वार में कई घंटे इंतजार करना पड़ता है। करी थी तो जी मैं जी कई सालों से बात कर रहा हूँ इस विषय में कि जब चार धाम यात्रा होती है तो हमारे शेष गढ़वाल के जिलों की और नैनीताल जिले के जो अल्मोड़ा और नैनीताल जिले का थोड़ा सा पार्ट है जो गढ़वाल से टच करता हुआ पार्ट है, इसका हर जीप से लेकर स्कूल बसें तक जो है झोंक दी जाती हैं। इवन मैंने तो ये जो देहरादून की जो सिटी बसें होती हैं नीली वाली वो भी देखी हैं कई बार यात्रा रूटों पे चलते हुए। तो आप पूरा का पूरा अपना अपनी ताकत जो है तीर्थयात्रियों श्रद्धालुओं पे झोंक देते हैं। जो हम यहाँ के नागरिक हैं इसी समय हमारे जो प्रवासी हैं देव पूजन के लिए शादियों के लिए घर आते हैं, जो छात्र छात्राएं पढ़ रही हैं वो अपने घर आती हैं, उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ये कोई सुनने को तैयार नहीं है। अगर देखने की तो बात देख तो सब रहे हैं लेकिन अगर आप चर्चा करेंगे तो उस चर्चा को सुनने को कोई तैयार नहीं है। लेकिन अगेन मैं ये कहता हूं कि इसके लिए जनता भी दोषी है कि जनता सब कुछ देखते हुए भी सब कुछ सह रही है तो भैया उनका पेशेंस है, तो फिर आपको और मेरे को चर्चा करने का इसमें कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि जब उनको उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो आपको और मेरे को तो कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। लेकिन एक सामाजिक प्राणी होने के नाते इस राज्य के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस आंदोलन राज्य आंदोलन में अपना अपनी जवानी का महत्वपूर्ण समय देने के नाते मैं मुझे तो बोलना है और मैं बोलता रहूंगा, ऐसा कुछ नहीं। और ठीक है कुछ लोगों को अच्छा ना लगे तो मेरी हर बात हर किसी को अच्छी नहीं लग सकती है और मेरे मेरी हर बात से कोई सहमत भी नहीं हो सकता है, तो वो उनका अपना नजरिया है। लेकिन मैं कहता हूं कि ठीक है चार धाम यात्रा में आपको व्यवस्थाएं देनी है लेकिन वहीं आपको जो राज्य का प्रथम नागरिक है जो यहाँ का मूल निवासी है उसकी सुविधाओं का भी उतना ही ध्यान रखना है जितना तीर्थयात्रियों का ध्यान रखना। हाँ, इसीलिए मैंने पहले कहा था कि जब बाकी हिस्सा अस्त व्यस्त हो जाता है तो क्या हम सरकारी सर्विस प्रोवाइडर बनकर रह गए हैं, उसी बात पे मैं कह रहा था, क्योंकि बड़ी व्यवस्थाएं हो जाती हैं बाकी हिस्से के लिए। जो बद इंतजामी इस बार देखने को मिली, और उस दौरान एक चर्चा भी आई कि प्राधिकरण बनाने की कुछ बातें हुई सरकारी लेवल पे, बहुत चर्चाएं हुई, तो क्या जिस प्राधिकरण की बात हो रही है ये उस विवादास्पद जो देवस्थानम बोर्ड है उसको रिप्लेस करेगा, क्या उसका नया वर्जन होगा, क्या इसके बारे में कुछ आपको पता लगा है? देखिए मैंने भी समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के माध्यम से इसको पढ़ा है इस चीज को, मेरे को इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है। लेकिन जहां तक देवस्थानम बोर्ड की बात है तो जी देवस्थानम बोर्ड चार धाम यात्रा के परिप्रेक्ष्य में या जो हमारे यहाँ पौराणिक मंदिर हैं आदिकाल से जो हैं कत्यूरी कुछ कत्यूरी शैली के हैं कुछ नाना प्रकार की शैली के हैं, तो इनके संरक्षण के लिए निश्चित रूप से एक श्राइन बोर्ड की तर्ज पे एक बोर्ड होना चाहिए था। उसमें भाजपा सरकार ने एक महत्वाकांक्षी और साहसिक कदम उठाया भी था लेकिन उन्होंने ही फिर रोल बैक भी कर लिया उसे। अब किन कारणों से उन्होंने रोल बैक किया इस विषय में मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ यदि उन्होंने कतिपय कुछ लोगों के दबाव में इसका इससे रोल बैक लिया है तो उससे बहुत ज्यादा लाभ, अगर पॉलिटिकल माइलेज की बात करें तो शायद उससे तो पार्टियों को नहीं मिला होगा ना मिलता है, लेकिन हाँ अगर कुछ लोगों के निजी और आर्थिक मतलब जो इंटरेस्ट हैं उनके नियोजन के लिए या उनके कारण ये इसको रोल बैक लिया गया तो ये निश्चित रूप से इस राज्य के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। तो
मेरा ये मानना है कि नीति नियंताओं को राज्य की हर एक नागरिक की भावनाओं को ध्यान में रख के ही निर्णय लेने चाहिए। आखिरी सवाल सवाल जी, मैंने कुछ दिन पहले प्रोफेसर एसपी सती से भी बात की थी और उन्होंने एक सलाह दी थी कि तीर्थाटन और पर्यटन को जो है वो अलग अलग करना चाहिए, ताकि इसे इसके जो घालमेल हो गया है वो जो है उससे कई समस्याएं पैदा हो गई हैं। क्या ये सुझाव बेहतर है? इसमें आप क्या सोचते हैं, मतलब क्या आप मानते हैं तीर्थाटन और पर्यटन को लेकर? देखिए, तीन 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 भागों में विभाजित करना पड़ेगा आपको उत्तराखंड उत्तराखंड के इस कंपोनेंट को। एक तो तीर्थाटन जो हो गया, दूसरा वैश्विक पर्यटन जो हो गया, तीसरा साहसिक पर्यटन। आप साहसिक पर्यटन को आज की डेट में अलग नहीं रख सकते। आप यदि आप ऋषिकेश में जाएंगे तो ऋषिकेश से मुनि की रेती से लेकर और आपके जो है कौड़ियाला तक सारी अव्यवस्थाओं की जड़ राफ्टिंग है। आप कोई कोई वैकल्पिक व्यवस्था आज तक नहीं दे पाए। आप देखेंगे तो सड़क पे ही और राफ्ट खुलाते हुए मिलेंगे आपको, उनकी गाड़ियां भी सड़क पे खड़ी मिलेंगी। अब यदि आप जो है गलती से एक सवारी अधिक बिठा के अपनी गाड़ी में ले जाते हैं तो आरटीओ पुलिस आपको टोकती है, लेकिन वो खुलेआम जीप के ऊपर राफ्ट फुलाई हुई ले जाते हैं, आज तक किसी ने टोका नहीं होगा। अगर टोका होता तो इतनी बड़ी संख्या में वो आवाजाही नहीं कर रहे होते। दूसरी चीज, जब थोड़ा सा जाम लगता है तो उनका एक आदमी आता है और आगे से स्कूटी लगा के झिक झैक झिक झैक करके वो उस उन गाड़ियों को ले जाता है और ज्यादा जाम करता है। उसके पीछे पीछे फिर जो है अन्य वाहन भी चलते हैं जो कि जाम को बढ़ाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको तीन अलग 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 विधाओं के तीन विभाग इसमें होने चाहिए और वो एक्सपर्ट जो होते हैं वो होने चाहिए। जैसे साहसिक पर्यटन के लिए पर्यटन विभाग ने बहुत सारे एक्सपर्ट की वो मतलब टीम बनाई थी, लेकिन वो कैसे एक्सपर्ट थे, उसमें जो ओरिजिनल एक्सपर्ट थे वो आधे में ही छोड़ के चले गए। साहब मैं तो एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ, मैं इसलिए नहीं आया हूँ उत्तराखंड में कि मुझे 50,000 या 60,000 रुपये लेके घर में बैठना है। बोलते मेरे लिए पेंशन बहुत है, सरकार दे रही है। तो इस तरह के एक्सपर्ट नहीं चाहिए हमें। उसी तरह से अगर धार्मिक पर्यटन की हम बात करें तो धार्मिक पर्यटन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है उत्तराखंड के, तो इसमें इसमें संभावनाएं भी बहुत है। आप कोई जरूरी थोड़ी है कि केदारनाथ जी के आप इस तरह से प्रचारित कीजिए। केदारनाथ जी उखीमठ में भी तो रहते हैं 6 महीने, वहां भी तो उनके वैसे ही दर्शन होते हैं। उस तरह की मार्केटिंग हमने नहीं करी है, तो इस तरह की हमको मार्केटिंग करनी है। उसी तरीके से जैसे आजकल आप देखेंगे कि आपने मतलब यूट्यूबर्स ने, दुनिया भर के लोगों ने, हमारे स्थानीय यूट्यूबर्स ने लोगों को वो जगह दिखा दी है जो आपको नहीं पता है। अब वहां भी गंदगी के अंबार लग रहे हैं, गाड़ियां लेके जा रहे हैं, स्टोव लेके जा रहे हैं, खाना पका रहे हैं, वहीं दारू बियर पी रहे हैं, हड्डियां वहीं छोड़ के चले जा रहे हैं, कचरा वहीं छोड़ के चले जा रहे हैं, और उसके बाद दूसरे दिन दूसरी पार्टी आ रही है उसके ऊपर और कचरा। तो हम क्या है, हम कचरे के ढेर में जो है परिवर्तित करते जा रहे हैं अपने नदी तटों को और गाढ़ गधेरों को और जो हमारे स्प्रिंग वाटर रिसोर्सेज हैं उनको। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे वो जगह खत्म होने लगेंगी। तो नुकसान किसको होगा, वो तो जो आ रहा है मौज मस्ती करने के लिए वो तो कोई और जगह ढूंढ लेगा, लेकिन हम कहाँ ढूंढेंगे। जो हम स्थानीय लोग हैं, हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे भाई। हम पे तो उनके जितना पैसा नहीं है, हमारे आम आम आदमी में जो गांव में पहाड़ में विषम परिस्थितियों में अभी भी अपनी जिम्मेवारी निभा रहा है, उसके पास उस तरह के संसाधन तो नहीं है, लेकिन उनके संसाधनों को आप नष्ट जरूर कर रहे हैं। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कैपिंग बहुत जरूरी है, आपको कैपिंग करनी पड़ी। कोई मेरे यहाँ अगर नदी तट पे अठखेलिया लेने आ रहा है तो उसको उसका मूल्य चुकाना होगा। वहां पर एक बैरियर होना चाहिए कि भाई ये टिकट, आप गट्टू गाड़ के लिए तो पैसे ले रहे हैं तो आप खो नदी के लिए क्यों नहीं पैसे ले सकते उनसे। आप सहजधारा में का पानी, यदि पानी में वो अठखेलिया ले रहे हैं तो वहां 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 के प्रवेश शुल्क क्यों नहीं लिया जाना चाहिए। तो इस तरह से क्या होगा, आप उनसे प्रवेश शुल्क लेके जो 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 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसको आप मतलब सुदृढ़ कर सकते हैं, नदी नालों को जो स्वरूप है जैसा है उसी रूप में उसको रख सकते हैं। उसके लिए आप जो आप उससे शुल्क ले रहे हैं उसके लिए थोड़ी सी अगर सुविधाएं दे देंगे उसको, शौचालय आदि की, कपड़े बदलने की, तो वो तो सोने में सुहागा हो जाएगा। हर कोई व्यक्ति देना चाहता है, लेकिन अगेन मैंने आपसे कहा था इच्छा शक्ति बहुत जरूरत है। और जब तक आप उत्तराखंड के पर्यटन को इन तीन अलग अलग उसमें धार्मिक पर्यटन पर्यटन और साहसिक पर्यटन में विभाजित नहीं करेंगे, अलग अलग नीतियां नहीं बनाएंगे, तो
तब तक ये घालमेल चलता ही रहेगा, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण होता रहेगा, अर्थव्यवस्थाएं जस की तस बनी रहेगी। जी असल जी, ये बड़ी चिंताजनक बात आपने बताया कि हम अपने जो है पहाड़ के प्राकृतिक संसाधनों को कचरे के ढेर में बदलते जा रहे हैं। टूरिज्म सेक्टर के एक्सपर्ट होने के नाते और घुमक्कड़ी के लंबे अनुभवी व्यक्ति होने के नाते आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं असल जी। मुझे उम्मीद है कि आपके सुझाव जो हैं उत्तराखंड सरकार में अहम पदों पर बैठे लोगों तक जरूर पहुंचेंगे। आपने इतना वक्त निकाला असवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत कीमती बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आपने दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रतन सिंह असवाल जी। नमस्कार।